इनके बेटे की साजिश में जो भी शामिल था उस हर इंसान ने इस घर के हर सदस्य के सामने विशेष का नाम लिया था, लेकिन फिर भी हम अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा ना ही हो जाता है। लेकिन आज जो हमसे माफी मंगवाई गई है ना, वो हमें छोटा दिखाने के लिए ही था। सोना बाबू, हम सोच रहे थे कि शादी के 20 साल हो गए, तो क्यों नहीं हम एक एल्बम बनाते, सारी फैमिली पिक्चर्स, जब भी हमारा मन करेगा हम सारी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। नाजर कुजर दूर हो। थैंक यू, थैंक यू मेरी माँ। नकल तो की जा सकती है लेकिन बराबरी नहीं। अम्मा जी छोड़िए ना इन बेकार की बातों का, आप अंदर चलिए, आइए। डैड, इसे हम लगा देते हैं, आराम से संभाल के। चमक चलो, हमें तुमरी और गुडवा की शादी की एल्बम दिखाने का जवाब दे रही है। पर तो मालूम नहीं है, हम बस नाम के ही शांति देवी हैं, पर क्रांति के मामले में हम उसकी माँ के भी अम्मा हैं। अम्मा जी आप काहे इतनी नाराज होती हैं? जो हो गया रहने दीजिए ना, ललिता जी का घर है, वो जो चाहे करे, हमें का। ये ललिता का घर नहीं है, ये हमारे गुडवा का घर है, और ये सब जो तमाशा बाहर हो रहा है ना, वो हमको दिखाने के लिए हो रहा है। और अब हमारी बारी है जवाब देने की। ऐसा जवाब देंगे कि उसको पता चल जाएगा कि वो किसके घर में बैठी है। बच्चों हमारा काम याद है ना? अम्मा जी उन्हें पढ़ने दीजिए, हमें बताइए, हम आपका काम कर देते हैं। नहीं माँ, वो काम हम कर लेंगे। ऐसा कौन सा काम है? सच में ललिता, ये पार्टी अब तक की सबसे अच्छी पार्टी थी। उसे भी अच्छा था तुम्हारा आज का सरप्राइज पोर्ट्रेट। अब हम चलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा ललिता जी, अब हम भी निकलते। आपने जो हमारे लिए किया ना, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। निर्मला जी, आने के लिए थैंक यू, पर एक बात का हमें अफसोस है कि हम आपको उस दूसरी औरत की बेइज्जती होने का नजारा नहीं दिखा पाए। पर फिक्र मत कीजिए, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हम इंतजार करेंगे, चलते। अरे एक मिनट निर्मला जी, हम आपका से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपके लिए एक तोहफा लाए, और राज की बात भी तो बताना बाकी है। अरे हाँ, राज का बात तो हम भूल ही गए, बताइए ना क्या बता रही थी। बताएंगे, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अरे पसीना पसीना क्यों आ रही है? एसी तो ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। बताइए ना ललिता जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? निर्मला जी, आप माने या ना माने, पर हम आपके मान अपमान को अपना मान अपमान समझते हैं, और हमने जो कुछ भी किया इसीलिए किया। हम आपकी भावना को समझते हैं ललिता जी। आप तो समझती निर्मला जी, पर आपका बेटा नहीं समझता। उसे आपके मान सम्मान की बिल्कुल परवाह नहीं। क्या कह रही आप? हम सच कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपका बेटा उस शालू के ऊपर लट्टू है, जिसकी माँ और बहन ने आपकी भरी महफिल में बेइज्जती की। पर उसे तो कोई परवाह नहीं। नहीं ललिता जी, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हम जानते थे कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। हमारे पास सबूत है, ये देखिए। अब तो आपको यकीन आ गया?
हाय राम, हम ऐसा बेशरम लड़की कभी नहीं देखे। ललिता जी, हमारा विशेष है ना, बहुत भोला है, जरूर ये अपना जाल में उसको फंसा रही है। आप सही कह रही हैं, ये लड़की बहुत चालाक है, आपके बेटे को फंसा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि इस लड़की से दूर रहे। आप ये बात हमको बताकर बहुत अच्छा की। अगर थोड़ा देर पहले बताती ना, तो हम रंजू से पूछते कि कहाँ गया तुम्हारा संस्कार। और जब हमारा बेटा उसकी नजर में बदमाश है, तो काहे उसकी लड़की हमारे बेटे को फंसा रही है। रंजू को जवाब देने की इतनी जल्दी मत कीजिए निर्मला जी। हर बात का एक समय होता है, और सही वक्त पर गाली भी गोली का काम करती है। हम आपकी बात समझ गए, अब आप चिंता मत कीजिए, हम उसको अपना तरीका से ठीक करेंगे। आप तो बस ये वीडियो है ना, हमको भेज दीजिए। अभी भेज देते हैं? भेज दे। अब हम चलते हैं। रुके रुके, ये आपके लिए गिफ्ट है, इम्पोर्टेड स्विस चॉकलेट है। इसे खाते ही आपकी मन की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अरे, इसका क्या जरूरत था? जरूरत नहीं था, मोहब्बत है, रखिए। थैंक यू, चलते हैं। बाय। संभालिए। नमस्ते आंटी जी। ये शालू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अगर इस बेवकूफ औरत ने शालू के सामने सारा सच उगल दिया, तो शालू को पता चल जाएगा कि हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। निर्मला जी, आप ठीक तो हैं? ललिता जी, आपको मैं एक बात तो बताना ही भूल गए। हमारा बेटा विशेष बहुत ही होनहार और आज्ञाकारी है, अपने बलबूते पर कॉन्ट्रैक्टर भी बन गया। एक समय पर उसको लफुआ बोलकर उसका रिश्ता ठुकराने वाले लोग आज उसको बहलाने फुसलाने में लगे। और दुनिया के सामने खुद को संस्कारी और इज्जतदार बताते, ये तो वही बात हो गया कि हाथी का दांत खाने का और दिखाने का। और लेकिन आप परेशान मत होइए, हमारे पास इस बीमारी का भी इलाज है। चलते हैं। ये अच्छा था, पूरी बात बोली भी नहीं और कोई बात छोड़ी भी नहीं। अब तेरा क्या होगा शालू? अरे, तुम लोग खेलने में मगन रहोगी, परीक्षा की तैयारी नहीं करने का? नहीं दादी, अब हम खेल सकते हैं, कल एग्जाम नहीं है, अब सीधे परसों से मैथ का एग्जाम है। लोगों ने बाहर देखा क्या? बाहर विशेष की माँ भी आई थी किटी पार्टी में। कहीं वो आई थी ना दीदी, हमसे माफी मंगवाने के लिए।
वो छमक छलो की पार्टी में हमने उस मोटी को आईना जो दिखाया था। माँ की वजह से हमने माफी तो मांग ली, लेकिन सच कह रहे मन तो कर रहा था उस दिन जो भी कसर बाकी रह गई ना आज निकाल दें उस पे। अच्छा तो इसीलिए मुंह फुलाए बैठी हो। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी तो तुम लोग हमसे बात को छुपा रहे थे। अरे नहीं नहीं दादी हम तो। अरे टिया मुस्कान जी दादी तुम लोग को वो याद है ना आज रात वो काम हो जाना चाहिए। दादी वो काम आज रात को हो ही जाएगा। जय भोलेनाथ। देखा भाई ना हम क्या बोले थे। ललिता जी की किटी पार्टी में जाने से फायदा ही होगा। कम से कम इतना तो पता चला कि तुम्हारा बेटा कंबल ओढ़ के अंदर घी पी रहा है। मतलब तुम्हारे पीठ पीछे प्यार का पाठ पढ़ रहा है। हाँ आने दो विशेष को आज अच्छा से खबर लेंगे उसका। अरे भाई ना हमारा बात ध्यान से सुनो। देखो अपने लाल के सामने अपना आग ज्यादा लाल मत करना। अरे जवान छोकरा है, हैं? ज्यादा दबाओगे तो फट जाएगा। जो भी बात करना है प्रेम से करो। अरे वो छोड़ी औरत रंजू की बेटी ने हमरे मुंह पर काली पोत दी और हमारा बेटा उसी के साथ मौज कर रहा है। आने दो उसको। जाने दो उस बात को। तुम पहले अपने आप को ठंडा करो बहना। हम तुमको एक बहुत बड़ा चाल बता रहे हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी डबल मजबूत हो जाए। हाँ तो पहले वचन दो कि ये बात तुम जीजा को नहीं बताओगे और जहां तक विशेष का सवाल है उसे हम संभाल लेंगे। हैं? अरे बेटा आ गए ऑफिस से। अरे भांजे आजा आजा। वैसे काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है माँ। देखना बेटा आज तेरे मामा फिर तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। लड़की भी बहुत सुंदर है और बाप भी मालदार है। X plus 2y is equal to 0 and x square is equal to 4. दीदी ये कितना इजी है पता नहीं हमें समझ क्यों नहीं आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि आप नंबर्स को ना समझती नहीं हो उनसे डर जाते हो। बस थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत होती सब आसान हो जाता है। करो मुस्कान तुम्हें भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। दीदी आप ना इस चुटकी पर ध्यान दीजिए इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। हमने ना अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। मुस्कान दीदी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और साइंटिस्ट को भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और एग्जाम में भी वो हमेशा फेल होते थे। अच्छा अच्छा तुम दोनों पढ़ो ठीक है। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं अभी हम शादी नहीं करना चाहते। अभी हम अपना सारा ध्यान अपने काम में रखना चाहते हैं। और मामा जी कहां से लेके आते हैं ये नई नई नौटंकी आप हर रोज। नौटंकी? हाँ तू तो यही कहेगा ना क्योंकि तुम्हारा दिल तो उस रंजू की बेटी के साथ लगा हुआ है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? तो क्या गलत कह रहे हैं है? उसी लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है। माँ वो हमारे साथ सिर्फ काम करती इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फालतू का मत सोचिए। अच्छा काम पर भी रख लिया मतलब कि पूरे मुजफ्फरपुर में उससे ज्यादा काबिल लड़की तुमको मिली नहीं अपने काम के लिए। अरे तुमको अपनी माँ की इज्जत का बिल्कुल परवाह नहीं है। वो रंजू का बेटी पूरा महफिल में हमरे मुंह पर कालिक पोत दी और तुम्हारे बारे में ना जाने का उल्टा पुल्टा बोला और तुम उसका बदला लेने की जगह उसी की लड़की के साथ ललो चप्पो कर रहा है। माँ बेवजह इस बात को गलत तरीके से ले रही। वैसे भी रंजू आंटी और उनकी बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती थी। अब प्लीज भूल जाइए सब। अरे बाप रे देखा भैया देखा इसको ये उस लड़की का तरफदारी कर रहा है और अपना माँ को गलत बता रहा है। माँ आप तो ऐसे कह रही है जैसे हमने शादी कर ली उससे।
ऐसा कुछ नहीं है। माँ, हमने उसे नौकरी पे नहीं रखा है, वो पहले से वहां काम करती थी, हम ही गए हैं यहाँ से। भांजे हमारी बात सुनो, देखो ये जो तुम्हारी मैया है ना, वो तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए ऐसी मामूली चीजों से परेशान हो जाती है बेचारी। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। तुम थके हारे ऑफिस से आयो, ऐसा करो अंदर जाओ, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। इज्जत का बिल्कुल परवाह नहीं है। वो रंजू का बेटी पूरा महफिल में हमरे मुंह पर काली पोत दी, और तुम उसका बदला लेने की जगह उसी की लड़की के साथ लल्लो चप्पो कर रहा है। अरे अरे भैया, क्या बोले थे हम तुमको, आराम से बात करो। तुम तो अज्ञा बेताल जैसे बरस पड़ी उस पर। उसका तेवर नहीं देखे तुम, कैसे उसका पक्ष ले रहा था? अरे ठीक ही तो कह रहा था हमारा भांजा, एकदम ठीक कह रहा था। अरे जरा सोचो, दिमाग से सोचो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, लड्डू। का मतलब? मतलब हम समझाते हैं, बैठो। अरे बैठो, समझाते हैं, बैठो। देखो विशेष जिस लड़की से अपने प्यार के पिंगे बढ़ा रहा है ना, वो लड़की आखिर है तो गुड्डू मिश्रा की बेटी, और उस लड़की का पूरा परिवार अभी गुड्डू मिश्रा के घर में रह रहा है। जरा सोचो, एक म्यान में दो तलवारें ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। कहा पता ऊंट किस करवट बैठे। इसीलिए कहते हैं मैं ना, तुम अपनी दोनों मुट्ठी बंद रखो। मतलब ललिता जी से भी मीठी बनी रहो, और विशेष को भी शालू की मिठाई खाने दो। छोड़ो हमको। देखिए घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है, रंजू सिलाई सेंटर। वो तो हमने लगवाई है। ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है। वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है। हमें लगता है कि विशेष सर की चोट अब बेहतर हो गई होगी। हम उनको मैसेज करके पूछ लेते हैं। हाय विशेष सर, आई होप कि अब आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। स्माइल का मतलब आप ठीक हैं।
जी देखिए, घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है? रंजू सिलाई सेंटर, वो तो हमने लगवाई है। ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है, वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है। दर्द हो रहा है लेकिन 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 आपने पूछ लिया तो अच्छा लगा। हमारा मतलब कोई पूछ लेता है तो दर्द में राहत मिल जाती है, तो वैसा सा कुछ। ये देखिए, घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है? रंजू सिलाई सेंटर। ये तुम्हारी बहुया कौन सा नया नाटक करेगी हैं? अरे अम्मा, ये हमारा घर है, जौहरी बाजार नहीं। वो तो हमने लगवाई है। ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है, वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है। ये देखिए, घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है? रंजू सिलाई सेंटर। ये तुम्हारी बहुया कौन सा नया नाटक करेगी हैं? अरे अम्मा, ये हमारा घर है, जौहरी बाजार नहीं। वो तो हमने लगवाई है। ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है, वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है। ये देखिए, घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है? रंजू सिलाई सेंटर। ये तुम्हारी बहुया कौन सा नया नाटक करेगी हैं? अरे अम्मा, ये हमारा घर है, जौहरी बाजार नहीं। वो तो हमने लगवाई है। ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है, वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है।